हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मेरा चैनल है, इस पर मैं टीचिंग के वीडियोस और जो भी ऑल पर्पस वीडियोस हैं बायोलॉजी एंड साइंस के, वो बनाती हूँ। कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम से प्रिपरेशन करने वाला कैंडिडेट इसको देख सकता है, मेरे चैनल पर विजिट कर सकता है और इससे बेनिफिट्स ले सकता है फ्रेंड्स। और जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और लाइक शेयर भी करिएगा। ओके, तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैंने इवोल्यूशन स्टार्ट किया था। इवोल्यूशन के कई वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, थ्योरीज मैं दे चुकी हूँ। मेरे चैनल पे 200+ वीडियोस पड़े हुए हैं बायोलॉजी एंड साइंस के, तो आप उसको भी देख सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और आज मैं थ्योरीज ऑन दी ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस पे बात करना चाहती हूँ। तो चलिए हम लोग टॉक करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं, तो हम लोग इसमें से जो भी थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें से इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, उसको एक बार अपने माइंड में बिठाते हुए चलेंगे, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में थ्योरीज एंड उनके जो ओरिजिन है, जिन्होंने थ्योरीज दी हैं इनके बारे में, और इवन एक्सपेरिमेंट्स की भी एक दो लाइन आती हैं, और फिर जो भी फेमस साइंटिस्ट ने कहा होता है, जिनकी वो कोट्स होते हैं, वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज दी हुई, जिसमें पहले मैं देख लेती हूँ, इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है। जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, किसने प्रपोज की थी, हमको प्रपोज करने वाले का नाम पता होना चाहिए, तो ये हिब्रू ने किया था। और ये जो थे, इनके ग्रेटेस्ट जो सपोर्टर थे, वो किस क्या थे, वो फादर ऑफ सॉरीज थे। ओके, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो लाइफ है वो कैसे क्रिएट हुई है, वो सुपरनैचुरल पावर से क्रिएट हुई है। ओके, तो अब यहाँ पर कितने डेज में क्रिएट हुई है, ये इन्होंने कहा था कि विद इन 6 डेज लाइफ क्रिएट हो गई है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म किसने दिया था, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, क्यूवियर थे, जॉर्ज क्यूवियर, इन्होंने दिया था। और यहाँ पे और बिगने थे, इन्होंने दिया था। और ये क्या थे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो बहुत सारे सेवरल जो क्रिएशंस हैं, और जो हर एक क्रिएशन है वो कैसे प्रीसीड करता है, वो कैटास्ट्रोफ, जैसे कि अचानक से सडनली, जैसे कि कोई डिजास्टर आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, या तो फिर लैंडस्लाइड हो गया, वोल्केनो इरप्शन हो गया, कोई भी मिसफॉर्च्यून है, इससे जो है वो आगे प्रोसीड करती है। ओके, और कुछ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उसकी वजह से हुआ, तो जो हर एक कैटास्ट्रोफ है वो कम्प्लीटली एक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है और नया क्रिएशन करता है। ओके, इन्होंने ये कहा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैटास्ट्रोफिज्म किसने दिया, क्यूवियर ने दिया एंड ऑर्बिंगे ने दिया। नेक्स्ट मेरे पास है फ्रेंड, यहाँ पे कॉस्मोजोइक थ्योरी है, ये थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और प्रपोज किसने किया है, ये रिक्टर ने या फिर रिचर ने, आप कह सकते हैं, उन्होंने प्रपोज किया 1865 में, प्रपोज किया इन्होंने। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले हैं अर्हेनियस 1908। और कॉस्मोजोइक थ्योरी है, ये क्या कहती है, ये कहती है इसको, अभी मैं बता चुकी हूँ कि थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया कहते हैं, तो ये इसको एक और नाम दिया गया है, स्पोर थ्योरी। तो आपको तीन नाम पता होगा, कॉस्मोजोइक है, पैंस्पर्मिया है एंड स्पोर थ्योरी है। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइफ है वो हमारी अर्थ पर कैसे आई, वो एक किसी हेवनली बॉडी के थ्रू हमारी अर्थ पर आई है। और ये रेजिस्टेंट स्पोर्स हैं जो सिंपल ऑर्गेनिज्म के होते हैं, जिनको कॉस्मोजोआ का नाम दिया गया। और ये कहाँ से आए, मीटियोराइट से या तो फिर स्पेसशिप से आए। ओके, जैसे कि कोई मिल गया वाली मूवी में जो स्पेसशिप से एलियन आ गया था, जादू आ गया था, वैसे ही इन्होंने कुछ बताया। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में पहले तो हम देखते हैं इसको और भी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस और ऑटोबायोजेनेसिस, एग्जाम में पूछी जा चुकी है फ्रेंड। और इन्होंने क्या बिलीव किया, इस थ्योरी में क्या कहा गया कि जो कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, इसमें कि नॉन लिविंग सब्सटेंसेस या पदार्थ जो होते हैं वो लिविंग बींग्स को पैदा करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के अकॉर्डिंग ये क्या है, बायोजेनेसिस, बायो मतलब जो बायोलॉजिकल जो लाइफ होती है, जेनेसिस मतलब कि पैदा करना। तो अब यहाँ पे जो लिविंग बींग्स हैं,
वो ना तो स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस हुए हैं या क्रिएटेड हुए हैं, ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस कुछ भी नहीं हुआ है। ये कैसे बताया इन्होंने, इन्होंने कहा कि जो लाइफ है वो कैसे आई है, वो पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी उसके थ्रू आई, यानी कि पहले से कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहा होगा, उसी ने आगे जा कर के दूसरा जो है प्रोडक्ट पैदा किया होगा, इस तरीके से आई, या तो फिर ओमनी सर्वाइवम एक्स वीवो। ओके, तो ये भी आपको याद करना है, ओमनी सर्वाइवम एक्स वीवो जो है, और इस फिनोमेना को कहा गया बायोजेनेसिस। ओके, और जो बायोजेनेसिस थी वो एक प्रूवन वर्क था जिसको 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूव किया था, और ये जो 3 साइंटिस्ट है इनका नाम जरूर पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है फ्रेंड, ये हैं रेडी, स्प्लैंजेनी एंड पॉस्चर। ओके, आप इसको जो है RSP करके लर्न कर सकते हैं, RSP या PSR, जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, तीनों को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये, यहाँ पे जो लुईस पाश्चर थे, अब इन्होंने क्या किया था, एक स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, ये एक्सपेरिमेंट फेमस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेमस है। तो ये हैं लुईस पाश्चर, इन्होंने 1864 में एक स्वान नेक फ्लास्क यूज़ किया था फ्रेंड। ओके, स्वान नेक फ्लास्क इन्होंने यूज़ किया था, और इन्होंने एक मीट ब्रॉथ या मीट का जो शोरबा है इसको प्रिपेयर किया इस फ्लास्क में, और फिर क्या किया, इसको इन्होंने कुछ घंटे तक बॉयल कर दिया, और उन्होंने देखा कि जो इन्होंने क्या किया, जो जो लेफ्ट, फिर इन्होंने जो फ्लास्क था उसको जो है खुला छोड़ दिया। ओके, तो उन्होंने जो फ्लास्क को सील ही नहीं किया था, खुला छोड़ दिया था, और लेबोरेटरी की बेंच पर ऐसे ही रखा हुआ था, वहाँ पे एयर भी आ रही थी। अब आप जानते हैं कि एयर में माइक्रोब्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ओके, तो इन्होंने इसीलिए स्पेशली उसको ओपन रखा था, देखना चाहते थे ये कि आगे क्या होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे फ्री एक्सचेंज ऑफ एयर भी था, और अब ये जो सिस्टम था ये कैसा था, इसमें ये जो सिस्टम था वो ऑक्सीजन इसमें था। ओके, डिड नॉट लैक ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन था, तो जो फ्लास्क था वो तो फ्री था, माइक्रोबियल कंटामिनेशन उसमें कुछ मंथ्स तक के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि जो स्वान नेक था, जो शेप स्वान नेक का होता है, कुछ एस टाइप का होता है, घरों में जो है नल भी लगे होते हैं, टैप भी लगे होते हैं इस टाइप के। ओके, तो यहाँ पे जो स्वान नेक था, तो इसने अपने शेप की वजह से एक इसको प्रिविलेज मिला कि यहाँ पे क्या हुआ, जो वायबल माइक्रोब्स पार्टिकल्स थे, ठीक है, तो वो ट्रैप नहीं हो पाए इस तरीके से। तो अब क्या हुआ, जो केवल एयर ही इसके अंदर आ पाई फ्लास्क के अंदर, लेकिन कुछ मंथ्स के बाद फिर क्या हुआ, कुछ मंथ्स के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नेक थी, स्वान नेक थी, उसको तोड़ दिया, रोक कर दिया, और फ्लास्क को, अब क्या हुआ, अब जो कंटेमिनेशन हो गया एयर का, ओके, एयर का जो कंटेमिनेशन वो तो पहले से ही था, लेकिन जो उसके अंदर एयर थी फ्लास्क के अंदर, वो कंटेमिनेटेड एयर गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनकी ग्रोथ होने लगी, और जो एक्सपेरिमेंट था उससे इन्होंने क्या किया, ये डिसप्रूव कर दिया कि जो कॉन्सेप्ट था स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसको पूरा पूरा डिसप्रूव कर दिया। ओके, तो जो लुईस पाश्चर थे उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, डिसप्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ये ओपेरिन हेल्डन थ्योरी, या फिर इसी को बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और मॉडर्न हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है इसको देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे इन्होंने इस थ्योरी में बताया, जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है ओरिजिन की, उसमें ये बताया कि सबसे पहले तो इन्होंने दिया था, इसको देख लेते हैं किसने इसको दिया था, हैकल ने दिया था। और इन्होंने जो है क्या किया था, ये जो आइडिया था, ये जो है केमिकल थ्योरी जो थी बाई टू वर्कर्स, अलग अलग जो है, एक रशियन बायोकेमिस्ट थे ओपेरिन 1923 में, और जो इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे JBS हेल्डन 1928 में, इन दोनों ने दी थी। और ये समराइज़ किया गया था, एक ओपेरिन की बुक है जिसका नाम है दी ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इसको जो है पब्लिश किया गया। ओके, तो जो ओपेरिन और हेल्डन थे इनकी थ्योरी है ये, इन्होंने ये कहा कि जो जो फर्स्ट फॉर्म है लाइफ का, ओके, जो फर्स्ट फॉर्म है लाइफ का, वो प्री एग्जिस्टिंग या पहले से जो प्रेजेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जैसे कि आपका ये RNA एंड प्रोटीन है, ओके, वहाँ से आया। देन उसके बाद क्या हुआ, जो लाइफ थी उसका फॉर्मेशन हुआ, और ये किससे प्रिसीड किया, इस ये जो है केमिकल इवोल्यूशन से ये प्रिसीड किया। ओके, तो ये जो फॉर्मेशन है जो डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का और फ्रॉम दी इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। ओके, तो ऑर्गेनिक का जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो है वो एग्जिस्टेंस हुआ, पहले इनऑर्गेनिक था देन ऑर्गेनिक आया।
अब देखिए, जो अपेरेंट हेल्डन थ्योरी थी इसको प्रोटोबायोजेनेसिस भी कहा जाता है। ओके, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा फ्रेंड। ये जो अपेरेंट हेल्डन थ्योरी है इसे प्रोटोबायोजेनेसिस भी कहा जाता है, और इसका सपोर्ट किसने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सपोर्ट की गई थी स्टैनले मिलर के द्वारा 1953 में, और सेपरेटेड द एंटायर प्रोसेस इनटू। अब इन्होंने क्या किया कि जो पूरा प्रोसेस था इसको जो है कुछ स्टेप्स जो दिए थे उसमें पूरा सेपरेट कर दिया। पहला तो ये था कि जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है, यानी कि जो ओरिजिन ऑफ अर्थ था, और उसके बाद जो वहाँ का प्रिमिटिव या पहले का जो एटमॉस्फियर था, पहला स्टेप तो ये था। सेकंड, उसके बाद क्या हुआ है, केमिकल एवोल्यूशन या केमोजेनी हुई है। एंड फिर थर्ड नंबर पे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है। ओके, फिर बायोजेनेसिस बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है उसको देख लेते हैं फ्रेंड। ओके, स्टैनले मिलर का जो है एक्सपेरिमेंट वो तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस है, और वो पूरा एक जो है बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट, काफ़ी एग्ज़ाम्स में आता है। जो ट्वेल्थ में पढ़ो तो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है, ग्रेजुएशन में भी आता है, अब कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स में भी आता है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है और इसका जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, सबसे पहले नंबर पे इसको देख लेते हैं। देखिए, जो अर्ली एटमॉस्फेयर या पहले का जो प्रिमिटिव अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग था। ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि पहले का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग होता था या फिर ऑक्सीडेटिव होता था, कैसा होता था। और इसमें क्या क्या था, ये हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर्स होती थी। एग्जाम में भी पूछा गया है कि स्टैनले मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ली, और ऑप्शन में दिए रहते हैं, उसमें से जो सही होता है उसको बताना होता है। तो जो अर्ली एटमॉस्फेयर था वो फ्री ऑफ ऑक्सीजन था, उसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, नॉन ऑक्सीजनिक था। और ये क्या था, इट वाज बाउंड इन वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और मेटालिक ऑक्साइड्स थे, ठीक है, जो कि रॉक के सरफेस पर होते थे और जो पार्टिकल्स थे। और कोई भी ओजोन लेयर नहीं थी जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए जो अल्ट्रा वायलेट रेज थी वो अर्थ पर डायरेक्ट सन से आ जाती थी। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी सिंथेसिस के लिए वो जो है, जो सोर्स था उसका क्या क्या था, जैसे कि सोलर रेडिएशन था, ओके, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, वोल्केनिक इरप्शन से आयनाइजिंग रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज। ओके, नाउ अब आगे देख लेते हैं। अब आगे हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है वो क्या था, सेकेंड पार्ट में जो केमिकल ओरिजिन है लाइफ की वो देख लेते हैं। ओके, सेकेंड है हमारे पास केमोजेनी। तो ओपेरेंट ने क्या सजेस्ट किया, कि ओपेरेंट ने ये सजेस्ट किया कि जो सिंपल कंपाउंड हैं, जैसे कि आपका नाइट्राइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, अमोनिया, मीथेन, साइनाइड्स हैं, और इनसे जो है, और जो मोर कॉम्प्लेक्स हैं, इनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे इलेक्ट्रिक चार्ज से जो है वो बनते गए। ओके, और अल्ट्रावायलेट रेज और जो कॉर्पस्कुलर रेडिएशंस थे उससे इनका इवॉल्व हुआ। अब ये जो फॉर्म है ऑक्सी और हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स जो हैं, यहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री का है, तो जो ऑक्सी एंड हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव फॉर्म, इन ये जो है इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड्स फॉर्म किए। एक स्मॉल चेन जो है कंपाउंड की वो बनती चली गई। कैसे बनती चली गई, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव के कंडेंसेशन से बनती चली गई। जो शुगर एंड स्टार्च थे वो मेन प्रोडक्ट थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को बना दिया। बहुत सारी रिएक्शंस हुई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुई, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हुई। ओके, और क्या क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन्स के कॉम्बिनेशंस बने, अमोनिया, वाटर, और कैसे बने ये, अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रीली अवेलेबल एनर्जी। और ये जो फ्रीली अवेलेबल एनर्जी थी वो पहुँच रही थी, और ये क्या बनाती जा रही थी, अमीनो एसिड्स बना रही थी। तो जो एविडेंस था, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स था, वो कैसे प्रोवाइड किया गया, वो स्टैनले मिलर के इस एक्सपेरिमेंट से प्रोवाइड किया गया। ओके, कि जो है अमीनो एसिड्स कैसे बने, प्रोटीन की यूनिट होती है अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स का जो पॉलीमराइजेशन होता है तो प्रोटीन बन जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, अब एविडेंस ऑफ केमोजेनी था, देन उसके बाद इसमें हम लोग ये देखेंगे जो एक मिनट फ्रेंड, ओके, जो स्टैनले मिलर थे, ओके, ये क्या थे, ग्रेजुएट स्टूडेंट थे यूरे के, ओके, यूरे के थे, और इन्होंने एक अपरेटस डिज़ाइन किया था। और इन्होंने क्या डिज़ाइन किया था, और इन्होंने इसलिए डिज़ाइन किया था इस अपरेटस को, कि जो स्टिमुलेटिंग कंडीशंस थी जो कि पहले अर्थ पे होती थी, ओके, और वो ए बायोजेनिक एवोल्यूशन जो हुआ था ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, उस टाइम पे इन्होंने इसको बना दिया था, डिज़ाइन कर दिया था। तो
अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको पता चलेंगे। तो सबसे पहले तो एपरेटस में इन्होंने जो किया था उसको देख लेते हैं कि ये जो इनका एपरेटस था उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सूप था, ये जो इन्होंने लिया था फ्लास्क में, जो अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट की बात की उसमें जो उन्होंने लिया था उसको क्या कहते हैं, वो हेल्डन सूप भी था, ठीक है, हेल्डन सूप भी बोला गया। अब यहाँ पे देखिए, कंट्रोल्ड एपरेटस एक लिया गया था और इसको जो है इलेक्ट्रोड्स नहीं लगाए गए थे। अब यहाँ पे मिलर ने मिक्सचर जो यूज़ किया था उसके बारे में एक बार और देख लेते हैं। मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन का 2:1:2 और वाटर, ठीक है, ये लिया था। और ये भी अभी हमने बताया है कि इसको जो है एक्सपोज किया गया था और सारी जो चीज़ें थी। नाउ अब आगे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो कुछ चीज़ें हैं ऑब्जर्वेशन उसके बारे में बातें कर लें हम लोग। और इन्होंने क्या बताया कि जो लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिसमें कि अमीनो एसिड थे सच एज एलानिन, ग्लाइसिन एंड स्पार्टिक एसिड थे। फिर मिलर ने ये भी प्रूव किया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो बेसिस ऑफ लाइफ थे। और ये जो फॉर्मेशन होता है सिंपल कंपाउंड का, जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड्स, वो कैसे उनसे ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जैसे कि पॉलीसेक्राइड, फैट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड बने, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था इससे क्या एविडेंस मिला, जो एविडेंस ये उसने ये दिया कि जो यहाँ पे जो एक फॉक्स थे फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के, उनको भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक इन्होंने सपोर्ट किया। अब यहाँ पे जो सिंथेसिस है फ्रेंड, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं और जो अदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, वो ये जो है इससे ये सपोर्ट मिला कि ये सी में थे, सी में रहे होंगे, ओके। और जो हेल्डन थे इन्होंने जो है दी हॉट डाइल्यूट सूप के थ्रू इसको जो है डिस्क्राइब किया कि हेल्डन ने जो है कि ये क्या है, हॉट डाइल्यूट सूप है। नाउ अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। ये क्या है, प्रोटीन प्रोटीन यूरेनॉइड माइक्रोस्फेयर है, ओके, जिसमें कि ये बड है और यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ओके। तो ये पूरा माइक्रोस्फेयर बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं आगे। तो जो ये हॉट ऑर्गेनिक सूप है और जो मॉलिक्यूल हैं सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस के, ये कहाँ से आए, ये धीरे धीरे जो है क्या हो गया इनमें, ये जो है इनका नंबर इंक्रीज़ करता गया और फिर ये जो है एग्रीगेट हो गए। और एग्रीगेट हो करके इन्होंने क्या बना लिया, एग्रीगेट हो गए और फिर इन्होंने अपने न्यू मॉलिक्यूल्स बना लिए। इनका साइज़ भी बढ़ गया, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई और लार्जर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड होकर के इन्होंने पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना ली। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो फॉर्मेशन है हमारे पास ये प्रोटीन मॉलिक्यूल का, वो लैंडमार्क है एक ओरिजिन ऑफ लाइफ में, ओके। इसकी प्रोटीन मॉलिक्यूल का बनना ओरिजिन ऑफ लाइफ का एक लैंडमार्क कंसिडर किया जाता है। क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे सूपी सी पे, वो क्या किए गए, उनका एक्युमुलेशन होता रहा, ठीक है। और उसके पहले क्या था कि जो यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स थी, जैसे कि जब कोई भी बैक्टीरिया नहीं थे, ओके, और मोल्ड्स नहीं थे, कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं थी, तो इनका डिके भी नहीं हो पाया और यहाँ पे कोई फ्री ऑक्सीजन भी नहीं थी और जो उनको ऑक्सीडाइज कर दे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीनॉइड्स, प्रोटीनॉइड्स का जो था उसके बारे में ये है कि जो एक्सपेरिमेंट था ये इसका फॉक्स का था, ओके, इन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिक्सचर जो था अमीनो एसिड्स का 160-210 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत घंटों के लिए, सेवरल घंटों के लिए इसको जो है क्या किया, इन्होंने बॉयल किया, ओके, हीट किया और इसको क्या कहा गया, इसी मॉलिक्यूल्स को प्रोटीनॉइड्स कहा गया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कि ओरिजिन ऑफ कोएसिव वेट्स, ओरिजिन ऑफ कोएसिव वेट्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये कैसे हुए। यही है कि इसमें जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो सिंथेसाइज हो गए। कैसे सिंथेसाइज हो गए, एबायोटिकली सिंथेसाइज हुए, जो कि हमारी अर्थ जो थी प्रीमिटिव कंडीशन थी उसमें सिंथेसाइज हो गए। बाकी ये जो है एक साथ आए, टुगेदर आए कि कैसे, उसके बाद फिर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन हुआ और इन्होंने लार्ज कोलाइडल एग्रीगेट्स बना लिए, जैसे कि वाटर बाउंड एग्रीगेट्स थे, ओके। और इसका नेम जो है माइक्रोस्फीयर दिया गया, किसने दिया, फॉक्स ने दिया। तो माइक्रोस्फीयर्स जो थे वो जनरली जो है स्फेरिकल बैक्टीरिया से रिजेंबल कर रहे थे, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कोलाइडल बॉडीज थी वो ओपेरिन ने उनको कोएसर्वेट कह दिया, ओके। जो कोलाइडल बॉडीज थी ओपेरिन ने उनका नाम कोएसर्वेट्स कहा था। जो कोएसर्वेट्स थे उनके कुछ फीचर्स थे वो भी देख लेते हैं,
यहाँ पे थोड़ा उसका भी आइडिया हो जाएगा। जो कोएसर वेट्स थे वो मैक्रोमोलिक्यूल के क्लस्टर्स थे, उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन हुआ करती थी। जो कोएसर वेट्स थे वो कोलाइडल बॉडी थे और उनमें बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, पॉलीसेक्राइड्स होती थी। कोएसर वेट्स जो थे वो एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल थे फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे ये जैसे बैक्टीरिया में बड निकलती, वैसे ही इसमें बडिंग के थ्रू डिवीजन भी होता था। नाउ अब यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है उसमें डिकम्पोजिशन होता था ग्लूकोज का कोएसर वेट्स के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि पेरेंट ने क्या कहा, जो कोएसर वेट्स हैं वो सोल लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल्स को पैदा कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड आज के लिए यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको पता चल गई, और ये एवोल्यूशन में मेरा आज जो है वो लास्ट टॉपिक था, और आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो सो चैनल पे प्लीज़ बने रहिएगा, एंड सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।